नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अश्वनी बंसल है। मैं चीफ हार्ट सर्जन हूँ या इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल डेराबस्सी मोहाली में। काफ़ी सारे पेशेंट्स और रिलेटिव्स हमसे क्वेरी करते हैं कि उनको हार्ट में ब्लॉकेज आई है और उन्हें स्टेंट करवाना चाहिए या बाईपास करवाना चाहिए। दोनों ही प्रोसीजर्स की अपनी अपनी जगह पर वैल्यू है। जहाँ तक बाईपास की बात है, बाईपास एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन है। अगर बाईपास अच्छे से किया जाए और जितनी भी आर्टरीज हैं सबको बाईपास कर दिया जाए जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है, तो पेशेंट को अगले 10 साल 15 साल और कोई भी पेशेंट तो 20 साल तक उन्हें दिक्कत नहीं आती है। हमारे ऐसे एक पेशेंट थे जिनका करीब 2 साल से ऊपर हो गए हैं बाईपास होके, और पेशेंट की उम्र 70 प्लस ईयर्स है और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है और पेशेंट हमारे पास फॉलोअप के लिए आए हैं और वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। वो अपने विचार आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू। मेरा नाम मेजर सिंह, तो असीं रोपड़ तो आए हैं जी। तो साडा पिंड है जी छोटी चखियां, जिला रोपड़, तहसील रोपड़। मेरे फादर साहब नूं जी 2019 दे विच हार्ट की प्रॉब्लम हो गई सी। असीं इंडस हॉस्पिटल डेराबस्सी आए, फादर साहब की बाईपास सर्जरी हुई अक्तूबर 2019 दे विच, ते हुण 2 साल 2 महीने हो चुके है। इन्हां दा जिहड़ी सर्जरी सी उह डॉक्टर अश्वनी बंसल जी ने कीती, ते 2 साल 2 महीने हो चुके है जी। ते हुण बिल्कुल ठीक है, खा पी रहे है, ते 2-3 किलोमीटर की सैर भी करते हैं। कोई किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जी। धन्यवाद जी।